राजगढ़ में प्रेस वार्ता में राजगढ़ के सांसद रोड़मल नागर ने कहा कि देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ, जब किसी ने नहीं पूछा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। हमारी सरकार ने उन शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन बिल पास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को सुविधा दी है। यह किसी मजहब या किसी जात के विरोध में पारित नहीं हुआ। इसे लागू करने में तकलीफ क्या है? क्या सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाकर कुछ प्रदेश की सरकार जनता को बरगला रही है, जो नहीं होना चाहिए? यह बात रोड़मल नागर ने राजगढ़ में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से कही। उन्होंने कहा कि कहीं जाकर देखे तो इन देशों में अल्पसंख्यक है, उनके साथ क्या बीत रही है? आखिर ऐसा क्या उनके साथ हो रहा है जो पूरी जमीन जायदाद अपने पड़ोसियों और संबंधियों को छोड़कर भारत जैसे देश में बसना चाहते हैं? इंसानियत के नाते यदि हमने यह नहीं किया तो इससे गलत क्या होगा? राजगढ़ से ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, नागरिकता नहीं होगी, आंदोलन करना मतलब घेराव करना नहीं, मना कर रहे हैं। इसलिए कहा है कि इसके लिए मना मत करो। ये जो मना कर रहे हैं, इनने घोषणा कर दी है कि हम हमारे यहाँ इसको लागू नहीं करेंगे, तो इसके लिए है कि भाई इसको मना मत करो। इसमें गलती क्या है? इसमें कमी क्या है? कहाँ विसंगति है? अरे जो लोग कहते हैं कि धर्म के आधार पर विभाजन करना, धर्म के आधार पर ये निर्णय लेना, ये ठीक नहीं है। हम कहते हैं कि जब देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हुआ, कल तक किसी में ये बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन देश का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। पर हमारा ये जो निर्णय है, हमारी सरकार का जो निर्णय है, ये धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर नहीं है। ये केवल तीन देश जो हमारे पड़ोस में है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां से जो शरणार्थी आए हैं उनके लिए, वहां के जो अल्पसंख्यक आए हैं उनके लिए है। और उनके लिए भी क्यों? आप अंदाज लगाएं, आदमी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता, अपना घर नहीं छोड़ता। जो आदमी अपना परिवार जायदाद सब छोड़ करके यहाँ पर आया है, परेशान हो गई है, कितना परेशान हुआ, कितना परेशान हुआ है, यानी क्या क्या नहीं होता, आए दिन अखबारों में आता है, आए दिन कि वहाँ की महिलाओं पर, उनकी बेटियों पर, उनकी बहुओं पर क्या क्या अत्याचार नहीं होते हैं। उनके सामने, पिता के सामने बेटी को उठा करके ले जाता है, भाई के सामने बेटी को उठा करके ले जाते हैं, इतने अत्याचार। अरे जब देश का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान में कितने हिंदू थे? अल्पसंख्यक जिनको कहा जाता है, कितने हिंदू थे? 23%, 23% थे, 2%, आज 3%। कहां गए वो 20%? कहां गए? और इस सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, ये लोग कह रहे हैं कि धर्म के आधार पर आप ले रहे हो, हमने ये कहा कि आपने धर्म के आधार पर देश का विभाजन किया। हम धर्म के आधार पर ये निर्णय नहीं ले रहे हैं। हम तो ईसाई को भी, सिख को भी, बौद्ध को भी, हिंदू को भी, पारसी को भी, हर व्यक्ति को यहां शरण दे रहे हैं, केवल क्योंकि घोषित रूप से अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान ये इस्लामिक कंट्री है, घोषित रूप से संविधान में लिखा है, और इसलिए आपको वहां पर, इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति को वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है गैर इस्लामिक व्यक्ति को, और इसलिए जितने गैर इस्लामिक लोग वहां पर रह रहे हैं, ऐसे सारे लोग हमारे यहां शरणार्थी हैं, वो शरणार्थी हैं। और जो दूसरे लोग जो आ रहे हैं वो घुसपैठिए हैं, वो घुसपैठिए हैं, और हमारी प्रतिबद्धता है उन घुसपैठियों को तो बाहर करेंगे और शरणार्थियों को पूरी जगह देंगे, पूरी मदद करेंगे। इससे इस देश के मुसलमान का कोई मतलब नहीं है, इस देश के मुसलमान के ऊपर कोई प्रश्न ही नहीं है। वो जैसा रह रहा है वैसा ही रहेगा, उसी सम्मान से रहेगा हमारे, क्योंकि हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हम, ये देश धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्षता यही कहती है कि हम सबका आदर करें, पर आपको इसलिए ज्यादा नहीं लाएंगे क्योंकि आपको कोई खतरा नहीं है, इनको खतरा है इसलिए यहां पर ला रहे हैं। हमारे यहां तो अगर, जब देश आजाद हुआ
तब हिंदुओं की जनसंख्या, और जब देश आजाद हुआ तब मुसलमानों की जनसंख्या। हिंदुओं की जनसंख्या 5% कम हुई है हिंदुस्तान में, और मुस्लिमों की जनसंख्या 5%।